हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं झटपट ज्ञान चैनल से दुख दर्द पीड़ा 10 फनी वीडियोस झटपट ज्ञान। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों एक बार फिर से आ चुके हैं दुख दर्द पीड़ा में। तो भाई लोगों, जहां एक तरफ हम सिंगल लोंडे एक निब्बी को पटाने के लिए हाथ पैर जोड़ते फिर रहे हैं, वहां जो पटे पटाए हैं वो भी हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे पता नहीं किस लिए। साली पागल। वहीं दूसरी तरफ ना ही दांत और ना ही काला सांप, फिर भी चाचा शादी करते फिर रहे हैं। साला पहले लगता था मेरे अलावा दो लोग और सिंगल हैं, सलमान खान और राहुल गांधी। अब तो राहुल भाई भी रिलेशन में आ गए। मैं राहुल जी से मुलाकात करने के लिए आई हूँ और अपने दिल की बात करने के लिए आई हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ मेरे शादी हो। इसके पहले तो इंटरेस्ट उतना राहुल जी की विश्वास नहीं था, पर जब दो तीन चक्कर मैं उनसे मिल चुकी, ठीक है, उन्होंने हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा कैसी हो, तब से मैं समझी कि हाँ ठीक है, ये भी चाहते हैं, तब से मैं शादी की इरादा बना। बाबू प्लीज यार, ऐसे नहीं होता है जैसे आप कह रही हो। मैं आपके मॉम डैड से बात करूंगा ना। बताओ साला, भाभी मिल गई गाइस। कोई हाल और भाई, जो लड़की बच तो जाती है उन्हें सरकारी नौकरी वाले ले जाते हैं। वो कहते हैं ना, मोहल्ले के लौंडों का प्यार अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर उठा के ले जाते। शक्ल देखकर ना बोली थी, एक सरकारी नौकरी चेक के बाद पूरा खानदान था। तो भाई लोगों, ना तो अपन नेता है, ना सलमान भाई जितना पैसा है, और ना ही सरकारी नौकरी है। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। ये अपन का औकात है। हर माल 10 रुपए। इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। भाई औकात तो सरकारी नौकरी वालों की होती है, अब चाहे इसी भाई को देख लो। एटीट्यूड देखो, गले की माला के भार से चल भी ना पाए चाहे। एटीट्यूड साले चुप। क्या तुम भी यही सोच रहे हो ना? मैं किस बात का एटीट्यूड है भाई? एटीट्यूड नहीं भाई, भाई के पास सरकारी नौकरी है। तो भाई लोगों, तो इससे पहले कि आपकी सरकारी नौकरी लगे और आपको एक निब्बी मिल जाए, लेजी गेमर को सब्सक्राइब करो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाओ यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दिखाओ। तो भाई लोगों, ऐसा नहीं कि लड़की रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती या छिड़ना नहीं चाहती, वो भी चाहती है कि कोई उन्हें छेड़े। हम ये नहीं बोल रहे कि मत छेड़ो, छेड़ना तो लड़का का ड्यूटी होता है। वो और ड्यूटी होता है, एक कमांड मारो पहले जाके ज्योग्राफी का होमवर्क करके आ। लेकिन पागल गई की छेड़ेगा सोचते, आपका हाइट 6 फीट होना चाहिए। अच्छा, खुद अभी ये दूध के पैकेट में ही बंद है, ठीक है, लड़के का हाइट 6 फीट होना चाहिए, फिर अपना काम खल्लास। बताओ साला, छेड़ने के लिए हाइट 6 फीट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए। अरे मैडम, अब क्या तुम अमिताभ बच्चन से छिड़ोगे? मतलब भाई, मैडम को अमिताभ बच्चन और टॉम क्रूज एक साथ चाहिए। नहीं मतलब साला, कौन छेड़ दिया रे मैडम को, जो मैडम इतनी भड़की हुई है। यही वजह है जो कुछ अखंड सिंगल लोंडे इतना सख्त बन जाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने तलवारधारी है या सलवार वाली। बहुत सही ताले तू। चलो कम से कम पैर छुए उसने। घबराओ नहीं, गुल्लक में पैसे डालने नहीं गया था, आशीर्वाद लेने गया था। आशीर्वाद तो लिया। तुम्हें क्या लगा लहंगे में झांक रहा है? अब क्या करें भाई, हम सिंगल लोंडे, हम कहीं भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, फिर चाहे वो स्टेज शो हो या शादी। अब इन्हीं को देख लो। पागल हो गया, इसको कुछ जूता सुखाओ। बताओ, देख रहे हो भाई कैसे दरी ओढ़ के नाच रहा है? वो तो अच्छा हुआ वहाँ कोई चची नहीं बैठी, नहीं तो भाई चची का लहंगा ओढ़ के नाच लेता। अब यही होगा ना, ना भाई के पास बंदी है, ना शादी हुई है, तो दूसरे के लहंगे में ही झांकेगा ना। पर भाई आराम से झांकना, लहंगे में काले सांप भी होते हैं। सही बात है। और भाई कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका रिलेशनशिप में कट जाता है, तो देखो वो अपनी बंदी से बदला लेने के लिए क्या करते हैं।
कोई बात नहीं, उसके नाम का केक तुमने लॉगिन में खिलाया यार, अच्छी बात है। बताओ, देख रहा है विनोद, कैसे साक्षी के नाम का केक कुत्तों को खिलाया जा रहा है। मतलब भाई ये वही बंदे होते हैं जो रात रात भर जगकर अपने निब्बियों से चुम्मियां मांगते फिरते हैं, और जब चुम्मियां ना दे तब ये करते हैं। पागल हो क्या? आवाज से कुछ नहीं आ रही है, क्या बात है कि इसको कुछ ज्यादा मीठी लगी है? चीनी खा के दी है क्या? भाई तू दांत साफ कर ले अपने, ठीक है? चीनी खा के नहीं भाई, टट्टी चाट के दी है। मतलब भाई सिंगल लोंडो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाई लोगों बहुत दिनों बाद जाते जाते अखंड सिंगल लोंडो का डांस देख ही लेते हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। दूरदर्शन समाचार की ट्यूनिंग पे ही नाच रहे हैं। क्या बात है? देख रहे हो, मैं और मेरे बॉयज कहीं भी खुशी ढूंढ लेते हैं। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही यार लेजी गेमर को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही फॉलो कर लेना झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। हांडी नहीं फूट रही, लोखंड की बनी हुई थी क्या हांडी ये? ओके सो भाई, पहली बात तो यार ये जो लास्ट में डांस दिखाया ना झटपट ज्ञान ने, ऑसम, बहुत अच्छा था। और डांस ऐसा ही होना चाहिए, वो दरी वाले अंकल जैसा डांस नहीं होना चाहिए। वो घुसे जा रहे हैं दरी के अंदर, सही बात है, कोई चाची वहाँ पे बैठी नहीं थी, वरना उनका लहंगा साड़ी कुछ ना बचता, ये तो उसमें भी घुस जाता है साला शराबी एक नंबर का। भाई और मतलब क्या ऑब्सेशन है इनका, क्या ऑब्सेशन है भाई, वो समझ में नहीं आता है मुझे। और दूसरी बात, ये जो भाई कह रहे हैं अरे वाह क्या बात है, किस तो बहुत मीठी सी दी है, भाई तू दांत साफ कर ले अपने, पहली बात तो मतलब इतने गंदे दांत जी। गुटका थोड़ा सा अगर छोड़ देंगे ना आप, तो आपके दांत ऑटोमेटिकली साफ हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन नहीं, उन्हें तो मुंह में भर के रखना है वो गटर का कीचड़। तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग गुटका लवर हो या नहीं हो, सच सच बता रहा हूँ, ओके? उसके बाद में दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगी आगे कि मैं क्या बोलने वाली थी, ठीक? बाय बाय।